नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर वर्ल्ड के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर बीबीसी के जो सीपीयू कूलर है उनको किस तरीके से फिट कर सकते हैं। आज हम इसमें जानेंगे ये जो आपका मॉडल है LG90V, इसके बारे में जानेंगे कि आप इसको अपने कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, जिनका अपने मदरबोर्ड के अंदर किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, हम आपको इसमें बताएंगे किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए। तो अब हम इसको फिट करना बताएंगे कि आप इसको इंटेल के मदरबोर्ड में किस तरीके से फिट कर सकते हैं। साथ में मैं ये भी कोशिश करूँगा और मैं आपको समझा सकूँ कि AMD के मदरबोर्ड में भी इसको किस तरीके से यूज करना है। एक्चुअली अभी हमारे पास AMD का मदरबोर्ड नहीं है, तो हम इसको इस इंटेल के 77 सीरीज के मदरबोर्ड में फिट करके दिखाएंगे कि आपको इसको किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जब बाय करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसके लिए आप हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा जब आप फैन बाय करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले अब हम ये आप देख सकते हैं कि आपको सॉकेट मिलेगा जिसको आपको अपने मदरबोर्ड में फिट करना है। ये इस तरीके से यहाँ फिट होगा। तो ये 775 सीरीज का है, तो ये सबसे पहले सॉकेट में फिट होगा। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये आपके तीनों सीरीज के बारे में है, 77 सीरीज, 115 सीरीज और 133 सीरीज के बारे में। ये इनके अलग अलग सॉकेट ब्रैकेट बने हुए हैं 1, 2, 3 करके। तो आप इन तीनों ब्रैकेट में अलग अलग सीरीज के हिसाब से फिट कर सकते हैं। अब ये हमारा मदरबोर्ड जो है वो 77 सीरीज का है, तो इसके लिए हमें इस तरीके के क्लिप्स दिए गए हैं और पिन वगैरह दिए गए हैं, 4 पिन 4 क्लिप दिए गए हैं। तो ये प्लास्टिक मेड है, तो कृपया ध्यान दीजिएगा जब भी आप इनको फिट करें तो आसानी से फिट करें, ज़बरदस्ती ना करें। ये आपके इसमें लाइन दी गई है, ये इस तरह की लाइन दी गई है, ये आपके इसमें ब्रैकेट में फिट होगी। तो आप लाइन से लाइन मिलाएं। ये मैंने दोनों साइड की लाइन मिलाई, ये देखिए आपका ये अंदर चला गया। अब अगर आपका ये दूसरी सीरीज का है, मैं इनसे बोले तो आपकी 115 सीरीज का है, तो आप इसको दूसरी लाइन में सेट करेंगे। ये आपकी पहली लाइन है 775 सीरीज की, सेकंड लाइन जो है ये वाली, ये आपकी 115 सीरीज की, और लास्ट वाली ये वाली जो है आपकी 133 सीरीज की। तो ये हमारा बोर्ड 775 सीरीज का है, तो हम इसको इसमें फिक्स करेंगे। ये आपकी फर्स्ट लाइन में, हमने दो इसमें फिट कर दिए और हम तीसरे को लगाते हैं। ये हमने तीन लगा दिए, हम चौथे पे जाते हैं। ये हमने चारों इसके अंदर फिट कर दिए। तो ध्यान दीजिएगा अगर आपका 775 सीरीज का मदरबोर्ड है तो आप उसको पहली में, दूसरे में का है तो सेकंड में, और 133 सीरीज का। ये यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, आप जब प्रोडक्ट बाई करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे किस किस हिसाब से लिखा हुआ है। तो आप इंटेल की सीरीज में इस तरीके से इसको फिट कर सकते हैं। ये हम इसको मदरबोर्ड में फिट करते हैं, देखिए ईजिली इसमें लग गया। ये आपका एक अब इसको अपनी जगह पे बनाए रखने के लिए इस तरह के इसमें 4 पिन दिए गए। अब हम इनको हर एक को इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये हमने लगा दिया, अब ये क्लिप इसमें फिक्स हो गया है। अब हम बात करें मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड को इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले दो चीज़ों को ध्यान दीजिए। आपके सीपीयू के ऊपर ये कूलेंट दिया हुआ है, सीपीयू पेस्ट, इसको जरूर लगाएं, थर्मल पेस्ट भी कहते हैं इसको। इसको लगाने के बाद आप अपने फैन के ऊपर ये लगे हुए वार्निंग स्टिकर को हटा दें, उसके बाद इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करना है इसको बहुत ही ईजीली, ये आपके क्लिप्स हैं, आपको इन क्लिप्स को सिर्फ ये जो इसके ब्रैकेट दिए गए हैं इनमें फिट करना है। ये इस तरह इधर भी दिए गए हैं, और AMD मदरबोर्ड में खाली ये ब्रैकेट्स होते हैं, इंटेल की किट को लगाने की कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपको सिर्फ इन ब्रैकेट्स में फ़िट करना है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको अभी दूंगा आगे वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसके बिना कपलर वाले पार्ट को इसमें इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए ये
ये मैंने इसके अंदर ये फंसा दिया है। और अब हम दूसरी साइड जाते हैं, दूसरी साइड आप देख सकते हैं ये है। और अब मुझे इसको इस कपलर के अंदर फिक्स करना है। ये मैं थोड़ा सा पुश करूँगा जिससे कि ये इसके अंदर फिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं ये अब इसके अंदर फिक्स हो गया है ये यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आपका इसमें फिक्स हो गया। अब हम इसकी केबल को यहाँ इंस्टॉल कर देंगे। तो ये आपका इसमें ये था आपका इंटेल के लिए। इसको हम इंटेल में इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। अब हमें इसे को इंस्टॉल करते हैं। ये मैंने यहाँ से पुश किया और ये आपका ये बाहर की तरफ निकाला और ये इजीली अनइंस्टॉल हो गया। अब अगर हम AMD की बात करें तो AMD में सेम ही होता है, लेकिन बस ये हमारे पास एक ब्रैकेट है तो मैं इसके थ्रू कोशिश करूँगा आपको बताने की AMD में इस तरीके का ब्रैकेट आपके मदरबोर्ड में इंस्टॉल होता है। ये इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। सेम AMD के लिए आपको कोई किट की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ किट इंटेल के लिए है। तो AMD के लिए आपको सिर्फ इसको ये लेना है। आपको सबसे पहले अपना एक पिन इसमें इंस्टॉल करना है ये इस तरीके से। उसके बाद दूसरा पिन आप जब CPU वगैरह और मदरबोर्ड इंस्टॉल होगा तो ये थोड़ा यहाँ पे टाइट होगा, तो इसको इस तरीके से प्रेस करना है और इसके अंदर यहाँ पे लगा देना है। ये इस तरीके से आपको दोनों सॉकेट में बस इसको इंस्टॉल करना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बस आपको ये यहाँ पर फिक्स करना है। जब आप मदरबोर्ड वगैरह और वो आपका CPU इंस्टॉल होगा तो ये थोड़ा टाइट लगेगा, तो इसलिए बस आपको सबसे पहले एक यहाँ पर फिक्स फंसाना है और उसके बाद ये दूसरा लेके इसको यहाँ पे प्रेस करके अच्छी तरीके से और इसको इसमें बस ये आपका इसको इस तरीके से इंस्टॉल कर देना। तो ये अपना ऑटोमेटिक ही उसके अंदर फिट हो जाएगा। तो AMD के लिए आप इसको इस तरीके से ये फिट कर सकते हैं बस, और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। बस यही आपका है, ये आपका सॉकेट AMD में दिया होता है। AMD के लिए बस इसको कुछ लगाने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट सिर्फ आपको इन दोनों पिनों को इस सॉकेट के कोनों में लगाना है। तो ये आपका AMD के लिए हो गया। इंटेल का मैंने आपको इस मोड में बता ही दिया। तो आप इस तरीके से इस फैन को अपने इस मदरबोर्ड में इंटेल और AMD मदरबोर्ड में फिक्स कर सकते हैं। तो ये इसका वीडियो था जिसमें आपको हमने बताया कि आप किस तरीके से अपने CPU को इस 90 TB मॉडल को अपने मदरबोर्ड में इंस्टॉल किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको किसी भी तरह के अपडेट और किसी तरह के BBC के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी छूट ना जाए। मीन्स आप किसी भी चीज़ को मिस ना कर दो और आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। तो और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियोज़ को, जिससे कि और लोग हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकें। तो ये आपके इस प्रोडक्ट को हमने आज बताया कि आप किस तरीके से इसको फिट कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।